आप लोगों के यहाँ दो प्रकार से वृक्षारोपण होता है। दो प्रकार कौन से है यही बताना मैं चाहता हूँ। सर्वप्रथम रोपा लगाया जाता है तो उसको गमले में रख करके उसमें खाद पानी आदि मिट्टी आदि रख करके अनुपात से उसको रखा जाता है और समय समय पर उसे पानी आदि देते रहते हैं। अन्य कोई घास फूस उग आता है उसको निकाल करके फेंकते चले जाते हैं। और इस प्रकार आपका यह गमला प्रारंभ हो गया। और जहाँ कहीं भी जैसे विधि में से किसी मूर्ति को बिंब को चिन्हराज को उठा करके सामने ला करके रख देते हैं, सब लोग उसकी वंदना परिक्रमा आदि कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, उन्हें रख देते हैं। लेकिन जब गमले में रहते हुए उस वृक्ष के पौधे के नीचे जड़ें और पहुँचती चली जाती है तो गमले से भी नीचे वहाँ जाने का रास्ता पहले से रखा रहता है और उसमें से वो जड़ें निकल करके राशन की खोज करते हैं। अब वह कहाँ राशन मिलेगा, वो जड़ें हो उसी ओर चले जाएंगे, नहीं समझे? इधर तो है खाद पानी आदि और इधर चले जाए, होता है ऐसे? तो ये कौन सी बुद्धि है उनके पास, बोलो। आहार संज्ञा तो है लेकिन आहार संज्ञा इधर जाने तो भी हो जाएंगे ठीक नहीं। इधर प्रतिकूलता है, इधर अनुकूलता है, इसलिए यहाँ पर हमारे वेदना शांत हो गई, पूर्ति हो गई। इस प्रकार कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो उसको पार करके इसी प्रकार दुखी संसारी प्राणी नहीं समझे खोजता 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 निकलता है, कहाँ जाए कहाँ जाए नहीं समझे। बस अब यह है तो इस प्रकार अब यहाँ इससे भी और जाना चाहे तो बड़े बाबा के यहाँ चले जाए, उससे भी आगे चले जाए तो कहाँ चले जाए, फिर कहीं जाना नहीं अपने में आ जाए। क्योंकि बड़े बाबा ने तो पराए में तो रहे नहीं, वो अपने आप में है। तो उसी प्रकार हमें भी यह बोध हो जाता है कि अब गमले को छोड़ दो, छोड़ कर के आएंगे नहीं आए, आए। महाराज गमला तो बाद में हम छोड़ेंगे, गमला भी निकल जाए तो गड़बड़ हो जाए तो मत छोड़ो। लेकिन उसमें राशन पानी तो डालती जाओ, अनुपात से बाधक तत्व से उसको बचाते जाओ। इस साल इस जीवन में मुक्ति नहीं सही लेकिन आगे भी नहीं है ऐसा नहीं कहा गया, इसलिए उस गमले को सींचते रहो सींचते रहो। लेकिन नीचे जाने के लिए रास्ता भी बना के रखो, नीचे जब जाएंगे वो जड़ें तभी तो आपका विकास का दर भी बढ़ता चला जाएगा।
विकासोन्मुखी होना अनिवार्य है। विकसित तो पूर्ण नहीं हो पाएंगे, लेकिन विकासोन्मुखी होंगे तो अवश्य ही हमारा ऊर्ध्वगमन हो सकता है। तो आपके एक 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 दिन निकट आ रहे हैं, प्रारंभ होना 11 आज कल ही कल से प्रारंभ 12 जाप वगैरह सब आप लोग तो एक एक दिन है, एक एक घंटे गिनो गिनती जाओ आप। और आज सूर्य प्रकाश ने भी कह दिया है कि आप कोई बाधा नहीं है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल अपनी विशुद्धि बढ़ाते चले जाओ। सरकार ने भी धीरे धीरे नहीं समझे, हाँ वो होता आवश्यक है सब तो होना। कितने भी घोड़ा अपना खिलाया पिलाया होता फिर भी तो हिनी ना आएगा तो सही। हिनी ना जानते हो तो ऐसा है, वो खाता भी जाता है और हिनी नाता भी जाता है तो हाँ हाँ घोड़ा। इसी प्रकार हम समझते हैं सरकार का कर्तव्य है हिनी नाना, हमारा कर्तव्य है चना डाल देना। ये चाहिए ना, सबको चाहिए ना, योग्य तो चाहिए आहार पानी, योग्य है वो भी क्या करें। बिल्कुल ठीक है, हम उस प्रकार का प्रबंध अवश्य करेंगे। और आज इस क्षण को हम एक 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 बहुत बमूल मार करके इसका उपयोग करेंगे। भगवान ये क्षण फालतू न जाए, इतना ही हम चाहते हैं। अहिंसा परमो धर्म की